नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं लक शर्मा। पाकिस्तान के क्रिकेटर शोएब मलिक और भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा का क्या तलाक हो चुका है? कुछ खबरें कह रही है हाँ, कुछ कह रहे हैं नहीं, लेकिन इस बात पे पुख्ता खबर तो आ गई है कि सानिया मिर्जा के जो पति हैं शोएब मलिक, उनकी तीसरी शादी हो चुकी है, माफ कीजिएगा। पाकिस्तान की एक्ट्रेस सना जावेद के साथ उन्होंने शादी कर ली है। पहली शादी उनकी आयशा नाम की महिला के साथ हुई थी, दूसरी शादी सानिया मिर्जा और तीसरी शादी सना जावेद के साथ हुई है। अब जब से ये खबर आई है सोशल मीडिया पर, वो कहते हैं ना, वायरल हो चुकी है, तमाम खबरें बन रही है। और इसी बीच अब खबरें ये भी आ रही है कि क्या सानिया मिर्जा को पहले से पता था कि सना जावेद से शोएब मलिक की शादी हो रही है, या उनको नहीं पता था। बहुत सारी खबरें आ रही है, लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि अभी अगर शादी हो गई है, सोशल मीडिया पे खुद शोएब मलिक ने डाल दिया है, इसका मतलब ये है कि तलाक अभी नहीं, तलाक बहुत पहले हो चुका होगा। और इस बात का लगातार सोशल मीडिया पे ये कहते ना अफवाह का दौर चल रहा था, लेकिन वो अफवाह नहीं थी, वो सच्चाई थी। पिछले एक या डेढ़ साल में लगातार ये खबरें आ रही थी कि सानिया मिर्जा और शोएब मलिक का तलाक हो चुका है। आप दोनों ने अपनी इंस्टाग्राम की जो बायो है वो चेंज कर दी थी। उसके बाद फिर पाकिस्तान में एक शो में दोनों साथ में नजर आए तो लगा पब्लिसिटी स्टंट है, लेकिन अब फाइनल हो चुका है। और अब एक चीज और बता दें आपको कि देखिए, शादी हो चुकी है तो अब खबरें ये आ रही है कि बहुत पहले जब तलाक हो चुका था तो बताया क्यों नहीं गया, क्यों सबके सामने नहीं रखा गया, या क्या शादी का वेट कर रही थी। और इसी बीच दूसरी खबर ये भी है कि जो सानिया मिर्जा के पिता है, उन्होंने एक एजेंसी यानी कि जो समाचार एजेंसी है उनसे बातचीत में कहा है कि ये खुला है, ये तलाक नहीं है। अब आप सोचेंगे कि खुला है और तलाक में क्या डिफरेंस है, तो दरअसल उन्होंने ये भी बताया कि देखिए कि अगर औरत तलाक लेती है तो उसे खुला कहते हैं, और अगर आदमी तलाक लेता है या आदमी औरत को छोड़ता है तो उसे तलाक कहते हैं, इसलिए खुला है। तो इस बात का अगर आप मतलब समझे नहीं समझे, हम समझाते हैं। सानिया मिर्जा ने छोड़ा है शोएब मलिक को, शोएब मलिक ने तलाक नहीं दिया है बल्कि सानिया मिर्जा ने तलाक दिया है। तो क्या धोखा दे रहे थे शोएब मलिक, क्या एक परिवार होने के साथ साथ कहीं और भी अफेयर था, क्या इसी से नाराज थी सानिया मिर्जा, क्या इसी लिए डिवोर्स दिया या खुला दिया है? बहुत सारे सवाल सामने आएंगे। सानिया मिर्जा का अभी तक कोई रिएक्शन आया नहीं है, लेकिन कुछ दिन पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला था। क्या डाला था, इंग्लिश में था, आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताते हैं। तो चलिए, सानिया ने लिखा था, शादी कठिन है, तलाक कठिन है, अपना कठिन चुने, फिट रहना कठिन है, अपना कठिन चुने, कर्ज में डूबना कठिन है, आर्थिक रूप से अनुशासित रहना कठिन है, अपना कठिन चुने, संचार कठिन है, संवाद न करना कठिन है, अपना कठिन चुने, जिंदगी कभी आसान नहीं होती, यह हमेशा कठिन रहेगा, लेकिन हम अपनी मेहनत चुन सकते हैं। तो ये जो इनका सोशल मीडिया पर पोस्ट था, उसी ने, ये दो दिन पहले पोस्ट किया गया था, उसी से अंदाजा लग गया था कि दाल में कुछ काला है, लेकिन अब पता चला कि ये तो पूरी दाल ही काली है। तो इन दोनों के जो तलाक के बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या सानिया मिर्जा दोबारा से ये बातचीत हो रही है कि क्या पाकिस्तान में उनको शादी करनी चाहिए थी, क्यों हिंदुस्तान में लड़के की कमी है? बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, हालांकि वो उनकी पर्सनल चॉइस थी और पर्सनल चॉइस के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, ना कहना चाहिए। अब इन दोनों की शादी की बात करें, देखिए सानिया मिर्जा और शोएब मलिक की शादी हुई थी साल 2010 में, 2018 में एक बेटा हुआ इजहान मिर्जा। अब कस्टडी किसके पास रहेगी, बेटा किसके पास रहेगा, बहुत सारे सवाल है, जवाब शायद मिले या बहुत लंबे वक्त बाद मिले। अब आप बताइए तलाक के बारे में कमेंट बॉक्स में। वहीं अगर आपने अब तक न्यूज़ नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।